जस टीवी देख रहे हो तुसी, मैं के पी सिंह टू द पॉइंट में तुहाडा स्वागत करता। गलवान घाटी ते जो कुछ होया उस तो बाद लगातार बैठकां दौर जारी है। मिलटरी कमांडरां दी मैराथन बैठक हुंदी है, उस सब दे विचाले राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री वो जांदे है रूस दे विच। उस तो अलावा विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुंदी है, RICC जिहनूं नाम दिता गया, रशिया इंडिया चाइना। इस सब तो अलावा पाकिस्तान दे नाल की डेवलपमेंट हो रही है वो भी साढ़े कोल एक प्रेस रिलीज आ चुकी है, जिहड़ा कि 50% असी स्टाफ है उत्थों घटाउणा पाकिस्तान हाई कमिशन तो, वो भी प्रेस रिलीज साढ़े कोल पहुँच चुकी है। ये सारे मुद्दे की कहिंदे है ते सब दे विचाले सवाल इक्को होवेगा, चीन नाल की कुछ सुलझा। वड्डा सवाल इक्को पुछा जाएगा इस डिबेट दे विच, वड्डा सवाल ये पूछा जाएगा कि सरहद ते टकराव मगरों भारत चीन के संबंध सुधारन दीआं कोशिशां किन्नीआं कामयाब आ। खास मेहमान साडा मौजूद है कि उन्हां दा तारुफ करा रहे हैं, दोनों ही मेहमान अपने अपने खेतर के माहर ने। विक्रमजीत सिंह सीनियर जर्नलिस्ट ने, विक्रमजीत सिंह ने करगिल भी वार कवर की है, वार कोरसपोंडेंट रहे ने, ते लद्दाख के उन्हां हिस्सों में भी जाके आए जिथे ये मुद्दा सारा छिड़िया होया, इस करके इन्हों असी वार वार सद्दे हैं। विक्रमजीत सिंह सर, तुहाडा बहुत स्वागत है। मनदीप सिंह बाजवा, ये मिलटरी की हिस्टरी भी जानते हैं, तो जड़े रिश्ते होंगे है सारे मुल्कों के विचाले, तो भारत के गुआढ़ियों नाल की है कि है उस बारे बेहतर तरीके जानते हैं, तो जो कुछ मीडिया जिस तरीके खबर नशर करता है तो उस पृष्ठभूमि भी ये चंगी तरह समझते, इस करके उन्होंने सद्दे। डिफेंस एक्सपर्ट ने मनदीप सिंह बाजवा सर, तुहाडा बहुत स्वागत है सर। सब तो पहला सवाल विक्रम जी तुहानूं करना चाहूँगा। विक्रमजीत, असी लगातार ये गल कह रहे हैं कि चीन नाल बहुत मसले सुलझ सकते हैं, साढ़े स्टेटमेंट दे विच डिफरेंस आ रहा है, असी उन्हां दी भी गल कर रहे हैं, पर मैं सर उन्हां तों थोड़ा ही अगे चलना चाहूँगा। जिहड़ी RICC दी मीटिंग है, उस मीटिंग नूं तुसीं किस नजरिए नाल देखते हो? देखो जी, सानूं नोट करना है कि पिछली जिहड़ी RICC मीटिंग हुई सी फॉरन मिनिस्टर्स दी, ਉਹ ਈਸਟਰਨ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਬਾਲਾਕੋਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬੇਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੌਂਬ ਕੀਤਾ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਈਲੈਟਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ is in the context ke china jada hai oh across the LSE aake unhone positions leke capture karke aur ground te jede unhone defenses create kitiyan ne oh bahut tensions escalate kar gaya between india and china aur oda jehdi implication on india's domestic politics hai oh bada impactful hai ga kyunki tusi dekh rahe ho ke congress ne badi sawal jehde uthaye ne oh modi sarkar layi kafi mushkil ho gaye ne। सो इन दिस कॉन्टेक्सट ये जिहड़ा रशिया ने ऑर्गेनाइज किया है ट्राईलैटरल, जो मेरी समझ है कि ये रशियन इंटरवेंशन के बाद ये ट्राईलैटरल आया है और तुसी देख रहे हो कि रशिया और इंडिया की बिहाइंड द सीन्स भी काफ़ी गलबात हुई है LSE के उपर। एट द स्ट्रैटेजिक लैवल सानू एक गल समझ नहीं पेगी कि रशिया इज द वन मेजर पावर जो चाइना नू किस टू सम एक्सटेंट इन्फ्लुएंस कर सकता है। तुसी अगर याद करो कि जब प्रधानमंत्री जी मोदी साहब गए सी वुहान 2018 विच अप्रैल विच और उदे बाद वापस आए आफ्टर व्हाट इज कॉल्ड द वुहान कंसेंसस बिटवीन द टू लीडर्स, मोदी साहब इमीडिएटली उदे बाद मॉस्को रशिया चले गए सी पुटिन नु मिलन, व्लादिमीर पुटिन जो उन्हां दा प्रेजिडेंट है, क्योंकि जिहड़ा पुटिन है वो एक काइंड ऑफ गारंटर हैगा सीगा ऑफ द वुहान कंसेंसस, बिकॉज़ पुटिन अगेन इज वन पर्सन जो चाइना नु कुछ हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है। नाउ द सेकंड इशू दैट अराइजेस इज कि रशिया एक्चुअली कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है चाइना नु, क्योंकि चाइना एक बहुत ही कहंदे ना इनफ्लेक्सिबल स्टैंड लैके LSE ते बह गया हैगा। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਪੈਂਗੋਂਗ ਵਿੱਚ 300 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿੰਗਰ 4 ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ
और जिहड़ी हाइट्स ने डोमिनेट कर दिया ने पेंगोंग लेक नू ओ तू ऑक्यूपाई कर दिया। नाउ फॉर चाइना टू विदड्रॉ फ्रॉम अ फेवरेबल टैक्टिकल सिचुएशन जो उन्होंने क्रिएट की है इज नॉट अ वेरी वेरी ईजी थिंग फॉर दैम। दूजी प्रॉब्लम आ रही है कि जिहड़ी कैजुअलिटीज के उपर कंट्रोवर्सी छिड़ गई है, जिहड़ा जनरल वीके सिंह ने कहा कि 40 तो ज्यादा चाइनीज की कैजुअलिटीज आए हैं। चाइना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट विच कहा कि दैट इज फेक न्यूज, लेकिन चाइना नू ए बर्दाश्त करना कि इंडिया ने उनके ऊपर ज्यादा कैजुअलिटीज की थी, दिस कैन बी अ वेरी सीरियस एस्केलेटरी यू नो फैक्टर, क्योंकि उन्होंने तो यह बर्दाश्त नहीं होगा अगर ये परसेप्शन फैल गई कि चाइना की ज्यादा कैजुअलिटीज हुई। सो जो मैनु लग रहा एट द मोमेंट कि रशिया आफ्टर द मीटिंग RIC के बाद रशिया ने किया है कि असी तो कोई नैगोशिएशन विद मीडिएशन नहीं करवा रहे जिस तरह ट्रंप ने ऑफर किया सी। सो पर रशिया का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हुन इंडिया इज डेस्परेट फॉर आर्म्स स्पेशली S-400 मिसाइल सिस्टम, क्योंकि साड़ी एयर डिफेंस केपेबिलिटीज आर नॉट अप टू द मार्क एंड चाइनाज बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल कैपेसिटीज देयर स्टेल्थ फाइटर्स विचोलगी जरूरत नहीं है। उन्होंने अमरीका भी सुनेहा देता, उन्होंने आपकी स्थिति भी साफ कर दी जिमें तुम दस रहे हो। मेरा सवाल यह है कि आम लोग सवाल करते, मैं उन्होंने सवाल हमेशा रखदा, इस टेंशन के विचाले फिर हथियार वेचूगा कोई ना कोई, एडमिरल गोर्शकव जो असि एयरक्राफ्ट कैरियर दी इन्हां नाल नेगोशिएशंस कीतियां, उन्हां ने किन्नी कॉस्ट रशिया ने रेज कीती ने ओवर द ईयर्स। हुण रशिया नूं पता है कि इंडिया बिल्कुल मजबूरी दी सिचुएशन विच हैगा, क्योंकि इंडिया नो फर्स्टली 60-70% ऑफ इंडियाज डिफेंस इक्विपमेंट इज रशिया लिंक्ड। सो फर्स्ट फैक्टर इज के सानू अगर वॉर होगी सानू स्पेयर्स और मेंटेनेंस चाहिए है, व्हिच रशिया हैज अगेन नॉट बीन वेरी गुड ऑन। सेकंडली वी वांट मोर MiG-29 एंड SU-30s, रशिया नोज के अगर हुन देइए ते वी कैन चार्ज अ वेरी गुड प्राइस। थर्डली जेड़ा आई थिंक व्हिच इज बीइंग नेग्लेक्टेड इन आवर अंडरस्टैंडिंग इज दी एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर असी वॉर विच किते एस्केलेशन हुई एयर डिफेंस इज वाइटल एंड आवर एयर डिफेंस सैडली इनफ इज नॉट अप टू द मार्क। ठीक ठीक, रशिया ने सानू प्रॉमिस कीता सी 2020 दे एंड दे बाद इस साल दे वी विल स्टार्ट डिलीवरी ऑफ S-400 ट्रांस, बट दे हैव अगेन डिलेड दैट नोट के हुन 2021 ते करता उन्होंने। ठीक 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 है सर विक्रम जी, मैं वापस आऊंगा तुहाडे कोल। मनदीप सिंह बाजवा, जो रूस की स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट का मतलब भारत लिए की है, चीन लिए की है, अमरीका लिए की है? देखो जी, रूस तो देखो साडा भला चाहता है और वो जिहड़े अपनी उन्होंने जिहड़े दखल अंदाजी वगैरह रही है और पिछोकड़ च भी उहदे नाल एक हिंदुस्तान का फायदा भी होया ते इह मतलब जे आपां पिछोकड़ जाइए इतिहास में वेखीए 1965 की लड़ाई तो बाद पाकिस्तान दे हिंद भारत के विचकार उन्होंने एक मीडिएटर का अपना किरदार खेडिया सीगा, ताशकंद च समिट होया सीगा उहदे नाल उस वेले की कुछ थोड़ी चिर वास्ते सुलह हुई सीगी और जिहड़ी फौजा वापस अपने टिकाने चली गई सन ते उह खैर अफसोसनाक है कि जी उह शास्त्री जी नूं दिल दा दौरा पै गया उत्थे ते उहनां दी मौत हो गई। फिर 71 दे विच इन्होंने साढ़े नाल 10 साल की जी एक संधि जी उसके हस्ताक्षर किए और सदके असी अमेरिका तो चीन दोनों सामने सीधे अख नाल वेख सके कि भी असी जो एक साडा एक साडी योजना सी कि असी पश्चिमी पाकिस्तान के जाना है और उत्थे दुश्मन नूं हराउणा है तो इहनूं बंगलादेश बनाउणा है उहदे विच असी कामयाब हो सके कि भी चीनिया हिम्मत नहीं पाई कि जी वह अपना हिमालय तो थले आने की कोशिश कर, या अमरीका ने सतवा बेड़ा भेजा जरूर है
बंगाल की खाड़ी के विच, मगर वह अंजाम तक नहीं पहुंच सके, वह कुछ कार्रवाई नहीं कर सके। वो मतलब क्योंकि और देखो उत्थे सिक्योरिटी काउंसिल दे विच रूसी वीटो जिहड़ा है ना वह साढ़े वास्ते फायदेमंद होया कि जदों तक असी 13 दिन दे विच बंगलादेश दे उत्ते विच पाकिस्तानियों दे उत्ते जित नहीं हासिल की। सो ये कोशिश उन्हां दी है कि भी इस नाल असी फिर दोबारा जिहड़ा है ना अपने तुहानूं लगदा बाजवा साहब कि रूस वड्डा रोल प्ले कर सकदा है? जरूर कर सकता है, जो अपना जिनी ज्यादा उसकी इन्फ्लुएंस हैगी है और जिहड़ा कि भी दुनिया के हर कोने विच किसी ने कोई ना कोई उन्होंने अपना हर इन्फ्लुएंस जिस तरह हैगी है और जिहड़ा कि भी ये शीत युद्ध के वेले की उन्होंने जिहड़े पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस हाले भी कायम ने और उन्होंने जिहड़ी आर्थिक स्थिति अगे नालों कितने बेहतर हो गई है ते हथियार ते जिहड़े रूसी हथियार है उन्हां दा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकदा। ते इस जिहड़ा ना वो एक इन्हां नूं एक स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस दिंदी है जिहड़े कि कोई होर मुल्क नहीं दा उन्हां दा मुकाबला नहीं कर सकदा। ठीक है भाई साहब, मैं छोटा ब्रेक लेना, भाई साहब मैं ब्रेक तो बाद वापस आऊंगा तुहाडे कोल, तुसीं अपनी गल भी पूरी कर लिओ। सरकार कह रही है कि राजनीतिकरण का वेला नहीं हैगा, पर सरकार तो यह सवाल होने लाजमी है कि सरकार खुद की कर रही है। ब्रेक तो बाद वापस आकर सवाल होगा जरूर। सवाल वड्डा कर रहे हैं, सरहद ते टकराव मगरों भारत चीन के संबंध सुधारन दी कोशिशां किन्नियां कामयाब? भाई साहब सवाल आप जो कर रहे थे, मेरा सवाल नाल भी सीगा सर कि रूस की जो जिस तरीके स्टेटमेंट आई है उन्हें अमरीका की सुनेहा गया सर, अमरीका कोई फर्क पैना चाहिए स्टेटमेंट नाल या नहीं पैना चाहिए? जरूर पैना चाहिए, आखिर अमरीका भी सोचना चाहिए कुछ अपना, वो भी आत्मचिंतन कर कि ट्रंप के बयान का कोई बयान का कोई समझ नहीं आता, वो व्यक्तिगत किस्म के बयान भी दे देता और अपना मुकर भी जाता, तो कोई एक जी सीधी कोई स्पष्ट उन्हें कोई लाइन नहीं फड़ी इस मुद्दे पर। तो वो जिहड़ा है ना रूस जिहड़ा है ना वो हमेशा जिहड़ा बड़ा स्पष्ट होंदा और जिस तरह के भी ट्रंप दी या होर किसी लीडर दी कोई विशी वाशी जो बयान होंदे वो नहीं होंदे उन्हां दे। ते बाकी है कि भी खुद मुख्तियारी तो जिहड़ी है ना बड़ी जरूरी है, तो अखीर से जाके सानू आप ही चीनियां नाल नाल खिलौना पएगा, उन्हां दा सामना करना पएगा। असी ये सोच रहे हैं कि भी इन्हू वरत लेंगे उन्होंने वरत लेंगे, ये तो असी सब तो पहला असी अपना लड़ाई हारन दे ते असी बीज जिहड़े पहले ही बोते हैं कि भी वरतो ठीक है, ये एक आलमी पद्धर ते रणनीति चाहती है, मगर तुसीं अपना भी तो घर ठीक रखो, अपनी तो जिहड़ी है पकड़ अपनी मजबूत रखो। मैनूं नहीं समझदा कि कोई इन्हां दी कोई किसी पासे कोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਫਿੰਗਰ 4 ਤੋਂ ਫਿੰਗਰ 8 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਸੱਚ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਫਿੰਗਰ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿੰਗਰ 8 ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ ਨਾਲ ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਂਗੋਂਗ ਫਿੰਗਰ 4 ਤੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜਸ ਵੀ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਯੂ ਨੋ ਔਨ ਅਪ ਟਿਲ ਵਾਟ ਆਰ ਐਲਏਸੀ ਇਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਕਮ ਦੇ ਹੈਵ ਡਰਾਨ ਫਰਮ ਟਿਲ ਆਰ ਐਲਏਸੀ ਉਹਦੇ ਬਿਯੋਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਵਾਟ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ ਐਟ ਡੋਕਲਮ ਦੇ ਡਿਸਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਜਦ ਹੋਈ 73 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੇਵਰਲੀ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਜੋਂਫੇਰੀ ਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਟ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਡੋਕਲਮ ਪਲੈਟੂ ਦੇ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮਿਲੀਟਰਾਈਜ਼ਡ।
जिस दिन गैलवान विच क्लैश होया 15 जून की रात नूं 16 जून सवेरे सवेरे चाइनीज ने इंडिया नूं फोन करता मिलिट्री ने कि असीं गलबात कर लैने सो चाइनीज साइड आफ्टर एम्बुशिंग आवर सोल्जर कहिंदे असीं गलबात कर लैने क्यों कि सिचुएशन ओह डिफ्यूज कर लो डिफ्यूज करके जो स्टेटस को उहनूं फ्रीज कर लो ठीक है ना दैट प्रिवेंट्स आवर रिएक्शन टू द चाइनीज सो एक गेम खेल रहे ने बड़ी वड्डी बिल्डअप बहुत जबरदस्त हो रहा है और अगर वो विड्रॉ करेंगे एक जगह तो विड्रॉ करेंगे दूजे जगह बैठे रहेंगे नाउ द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज चाइनीज ने जिहड़ा अपना मैसिव बिल्डअप किया है फ्रॉम लद्दाख टिल सिक्किम एंड भूटान वो नेगोशिएट असी वी वांट के वो उत्थे भी बिल्डअप डिसएंगेज करिए क्योंकि असी नहीं चाहते कि एलएसी जिहड़ी है वो एलओसी बन जाए एलएसी जो है हॉट एलओसी ना बन जाए विच वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू हैंडल कि अगर एलएसी भी पाकिस्तान जिस तरह एक हॉट एलओसी बन जाए नाउ चाइनीज ऑल्सो हैव दैट बारगेनिंग चिप कि अगर असी डिसएंगेज करते हैं एट द मेजर बिल्डअप लेवल फिर तुसी सानू की कंसेशन देंदे हो सो इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन और मैनू आ लगता है कि जिहड़ा रशिया का रोल है इट हैज चेंज्ड रशिया इज नाउ एंटर्ड इनटू मिलिट्री रिलेशन विद पाकिस्तान रशिया पाकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइज हैव बीन हेल्ड इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान विच इंडिया ऑब्जेक्टेड टू Russia China relations are very strong now they are dependent on economics on military supplies everything so jo Russia da purana role si ga under the USSR na treaty of friendship and cooperation which Mrs Gandhi signed oh Russia da role nahi reha aj eh bahut important point hai Bikram ji main chhota break la ke wapas aunga sir is point te bahut important point tusi chukya hai ga naal tusi eh vi keh rahe ho ki China talks te vichale खुद अपनी गेम नू प्ले करन दी कोशिश विच लग्या होया जिहड़ा पॉइंट तुसी हुण लैके आए हो विक्रमजीत कि रशिया दी पाकिस्तान नज़दीकियां चाइना नज़दीकियां वो भारत लई की कुछ करेगा सवाल यह है ब्रेक तो वापस आके पुछांगे जरूर कि सरहद ते टकराव मगरों भारत चीन दे संबंध सुधारन दीआं कोशिशां किन्ने कामयाब है मनदीप सिंह बाजवा विक्रमजीत सर ने जिहड़ा सवाल चुकिया है उस सवाल दे नाल तुसी इतफाक रखते हो सर नहीं देखो कि एक गल सही है कि चीनियां दी बड़ी डूंगी खेड है ते उन्हों सानू पछाणना चाहिए हुण कोई असी नवें ते नहीं कोई बच्चे ते नहीं है कि भी असी कोई पहली बार इन्हां नाल नहीं मनदीप बाजवा जिहड़ी उन्होंने गल की है रशिया दी पाकिस्तान नाल नज़दीकियां ते जिहड़ी चाइना नाल नज़दीकियां इक नाल इन्होंने यह भी जिक्र किया इंदिरा गांधी दे वेले दे जिहड़ा रोल सीगा रशिया दा उह इस वक्त रोल नहीं हैगा रशिया अपना रोल है जिहड़ा बदल चुकिया रशिया दी स्ट्रैटजी होर है रशिया होर तरीके नाल काम कर रहा तो असी जी मीटिंग करते हैं मीटिंग तो बाद स्टेटमेंट जी आती है कि टाइम टेस्टड प्रिंसीपल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस सर इनका मतलब की है बाजवा साहब वो जिहड़ा ना ये भी एक रूसिया की एक रणनीति है तो याद होना तुम ताशकंट का जो समझौता सीगा ब्रोकर करने तो बाद अपना रूस ने पाकिस्तान हथियार दिते सीगे T-54 टैंक सीगे कुछ वो Mi-7 Mi-8 हैलीकॉप्टर सीगे कुछ होर गन्स 130 130 mm गन्स वगैरह सीगियां तो वो उन्हें कोशिश यह कि जी अमेरिकन स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उस पाकिस्तान को कढ़िया जाए तो एक न्यूट्रलाइज किया जाए क्योंकि पाकिस्तान उदो जी ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन सेटो सेंटो वगैरह का मैंबर सीगा मगर लोंग टर्म जो उन्हों का जो इंटरस्ट सके
भारत के नाल सीगे। सो दोबारा फिर सन 70-71 दे विच भारत के नाल फिर उन्हां दी जिहड़ी दोस्ती ज्यादा बंदी फुली है। सो हुण भी उन्होंने अपना कुछ इन्होंने हथियार वगैरह बेचे है, और जिस तरह इन्होंने दस्सिया कि भी उत्थे इन्हां दी फौजी मशकां भी होईआं ने, ते ਉਹ ਬਗੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਫੇਅਰ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 79 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 99 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕਰਨ ਭਾਵੇਂ ਦੋਸਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੂਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਇਓ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰੂਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਇਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰ ਰੂਸ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣੇ ਟਰੰਪ ਦਾ, ਹਾਊਡੀ ਟਰੰਪ, ਦਿਸ ਟਰੰਪ, ਦੈਟ ਟਰੰਪ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਨ ਅ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਫੇਸਿੰਗ ਅ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਫ ਆਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਰਸ਼ੀਆ, ਨਾਟ ਟੂ ਦ US। So this is a lesson for us ke US sanu kinni madad kar sakda hai na crisis. Dooji gal tusi note karo ke jehde quad alliance hai which we are is at a ministerial level discussion, one of these statements please note karo ke oh kinni supportive ne, oh kinna taiyar hai sanu madad karan di, how far they are supportive of India's stand on the border। ਜਪਾਨ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਸਰ ਜਪਾਨ ਦਾ ਆਪਦਾ ਪੰਗਾ, ਜਪਾਨ ਦਾ ਆਪਦਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਦੱਸੋ। ਯੂ ਸੀ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਪੋਂਸ ਟੂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਥਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਨੋ ਮਸਟਰ ਅਪ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕਡ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੋਰ ਦੈਮ ਟੂ ਗੈਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਟੂ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਲੇ, ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਚਾਈਨਾ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਔਨ ਆਨ ਐਗਰੈਸ਼ਨ, ਦੇ ਆਰ ਹਿਟਿੰਗ ਆਊਟ। ਦੇਖੋ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੰਨੇ ਡੈਕੇਡਸ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਬਿਲਡਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਰਿਫੋਰਮਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਰੇਡ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। They have built up military capability to use it one day, which they are now using. It is not what is called war. It is called threat of war. Threat of war. See, dekho, har jagah it is threat of war. It is not war what China is doing. It is threat of war. Eh lokan nu ke assi tonu aa kar dange, lokan nu dhara rahe ne. Theek hai. Mandeep Bajwa. Jadi gal vikram. Ek minute KPI, just add one point. Before Mandeep comes in, I'm just one point. I think India ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਂਬੈਸੀ ਨੂੰ 50% ਅੱਜ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਟ ਓਲਡ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਥ੍ਰੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਥ੍ਰੈਟ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ। ਦੇਖੋ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਨ ਕਰਕੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਨਾਟ ਇਸ਼ੂਡ ਅ ਡਿਮਾਰਚੇ ਫੋਰ ਦ ਡੈਥ ਆਫ 20 ਆਫ ਆਰ ਸੋਲਜਰਸ, ਬਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਮਾਰਚੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯੂ ਸੀ ਦ ਕੰਟਰਾਸਟ ਇਨ ਦ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਸੋਰੀ ਮਨਦੀਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਬਾਜਵਾ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ। ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਡਅਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆਰਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ,
वो साढ़े मुकाबले कुछ नहीं, असं उन्होंने बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। साडा जो बहुत व्डा खेत्र है उस दे साडा प्रभाव है। आज तुहाडी स्टेटमेंट बदली तो नहीं मंदी बाजवा उस स्टेटमेंट से स्टैंड करते? बिल्कुल नहीं जो चीनियां जो किसी चीज तो महारत है और किसी खेत्र अगे ने वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। हुण तक इस तरह ही मैं और तुसीं देखो कामयाब हो गए। हुण मैनूं दसो कि प्रधानमंत्री का यह बयान देना कि जी वो तो साडे इलाके च आए ही नहीं, साडे कब्जा नहीं किया, हालांकि वह तीन थावां ते उन्होंने जमीन साडे कब्जा करके बैठे ने, उन्होंने दस्या उन्होंने हमने विक्रमजीत ने कि कितने कितने आए ने। तो यह वो तो पहले ही कामयाब हो गए। मैं कहना मैन टू मैन साडी फौज उन्होंने चक्के उड़ा देगी, मगर उन्होंने साड़ी जी सियासी लीडरशिप है उन्होंने तो पहले ही हराता। सो उन्होंने कामयाबी है। बाकी ये तो बड़ी देर तो लगे हुए ने हिंदुस्तान के आले दुआले मोतियां की माला लाने के किसी हद तक कामयाब हुए ने। असी चलो कुछ थोड़ा बहुत कर रहे हैं, सिंगापुर के नाल भी साड़ी कुछ समझौता है, उन्होंने फौजी साढ़े इतने आके ट्रेन करते हैं, तो वियतनाम बनती दोस्ती है, मगर ये तो होर वधाउण की लोड़ है। जापान नाल थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह होंदियां ने, पर अगे होर वधाउण की लोड़ हैगी है ताकि उन्होंने भी तो पता लगे कि भी असी उन्होंने इलाके च आ सकते हैं। तो असी ये तो जिहड़ा है ना 16 सिपाही असी सोचिए कि 16 सिपाही उन्होंने होएगी होएगी आ होएगा, वह नहीं कभी कामयाब होंगे। और वह देखिया ही है वो इहो जिहे मौके जो कोई पेंडेमिक चल रहा है उन्होंने अपनी हालत पतली है जो सामने इलाके कब्जा किया और अगे वधी जा रहे ने फिर भी अपने फौजियों हथे भेजता उन्होंने को अपना मारे जाने वास्ते और फिर वो तो बयान दे रहे। दसो विदेश मंत्री का की बयान सीगा, फजूल जे बयान का की मतलब बनता है? और सगो लड़ाई जरा ना ज्यादा अपने मुल्क के शहरियां लड़ रहे ना कि चीनियों के नाल। और ये देखना चाहिए इट्स ए नियर वॉर सिचुएशन, तुसी तगड़े होके करो, उल्टा उसको अपना कैपिटुलेटिंग कर रहे। हुण रक्षा मंत्री का बयान सीगा कि भी उन्होंने बहुत सारा बिल्डअप होया अलोंग दी एलएसी ना कि भी साडे इलाके च, उन्होंने अलोंग एलएसी इधर की है बंदा समझ सकता है कि अपने इलाके च ने, अपने इलाके च कितों रह गए हुण? चलो ठीक है, एक होर छोटा ब्रेक लूँगा सर, एक होर छोटा ब्रेक लूँगा, ब्रेक तो वापस आवेंगे आखिरी हिस्से में असं आवेंगे। इस मुद्दे को समझना बहुत जरूरी है, जिस तरीके स्टेटमेंट्स दित्तियां जा रही है उस स्टेटमेंट्स के विचाले किहो जिहा अग्रैशन है, तो सवाल जिहड़ा है कि जिहड़े साडे जवान उत्थे जिहड़े शहीद होए आ उन्हां शहीद परिवारों नूं सरकार वल्लों की जवाब दिता जाएगा? यह जवाब तो देना बंद है, तो इस करके सवाल लगातार हो रहा चीन नाल की कुछ सुलझा तो की कुछ सुलझा। ब्रेक तो वापस आके आखिरी हिस्से में आवेंगे। सरहद ते टकराव मगरों भारत चीन के संबंध सुधारन दीआं कोशिशां किन्नीआं कामयाब? विक्रमजीत जिहड़ी मिलटरी कमांडर्स की मीटिंग हुंदी है 11 घंटे मीटिंग चल रही है, तुसीं वार वार ये गल कर रहे हो कि कल टॉक्स नाल कुछ नहीं होना गा, टॉक्स तो चाइना के प्रभाव हेठ कीतीआं जा रही हैं। विक्रमजीत असीं अपने दर्शकों नूं जवाब दे हैं, सरकार देश की जनता नूं जवाब दे है, सारे पिलर साहब दे आपदे तरीके नाल जवाब दे हैगे सारिआं नूं। विक्रमजीत जदों असीं ये चर्चा समाप्त करके उठांगे असी की जवाब देवांगे दर्शकों नूं, असी की दस्या उन्हां नूं? देखो असी दर्शकों नूं तो जो सानूं समझ आ असी दस रहे हूं, सरकारां दे हाथ विच है कि साडी फौज नूं नुखिद बनाना है कि साडी फौज नूं एम्पावर करना है। तुसीं इह गल देखो कि पेंगोंग मई 5 और 6 नूं चीनियां ने सेम अटैक कीता सी जो इहने गलवान विच जून 15 नूं कीता। इहनां ने उही बरछिया नाल ते उह नेल्स रैप करके 70 जवान इंजर कीते, सीओ साहब विजय राणा 11 महा दे उहनूं वी इंजर कीता, हुण तक हॉस्पिटल विच है। नाउ व्हाट हैपनड ऑन जून 15 कि असीं अपने सीओ साहब नूं और अपने फौजियां नूं उत्थे भेजदा विदाउट रियलाइजिंग कि चाइनीज फिर अटैक कर सकते ने, और साडी फौज बेचारी उत्थे खड़ी रही, इन्हां ने सानूं नेज़े नाल मारे। हुण हुण जिहड़ी खबर आ रही है विक्रमजीत, हुण जिहड़ी खबर आ रही है, एक तो प्रधानमंत्री ने गल कही सी, साडे होर मंत्रियों ने भी कही है कि फौज नूं असीं खुली छोड़ दित्ती हुई है,
हुण इह वी कहा जा रहा है कि साडी फौज नूं उत्थे हथियार लिजाण दी इजाजत हैगी है। सर मैनूं थोड़ा जिहा समझा दो सर, एक ना जिहड़ी परसैप्शन बिल्टअप हो रही है ते रियालिटी की हैगी है। रियालिटी ये हैगी है केपी के इंडियन आर्मी नूं उपरों ऑर्डर आए ने फ्रॉम द पोलिटिकल ऑर्डर आए ने कि तुसी चाइनीज़ नाल कोई पंगा नहीं लैणा। अज भी यही है सर, अज भी यही स्थिति है, तुसी एस्केलेट नहीं करना, अज भी यही स्थिति है सर, अज भी यही स्थिति है। और अंडर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ इंडियन आर्मी अगर तुहाडे ते कोई हमला करे ते यू आर फुली एम्पावर्ड टू फायर बैक विद योर वेपन्स। बट साडे बटालियन बेचारा जो 16 बिहार गया उन्हें ऑर्डर सी के तुसी बिल्कुल कोई ऐसी चीज नहीं करनी जिस नाल दे ज्यादा जंग छिड़ जाए। सर अज भी सेम ऑर्डर है विक्रमजीत, अज भी सेम ऑर्डर है। अज मैनू लगता है ऑर्डर चेंज हो गए ने क्योंकि हुण ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा आ गया और इधर रौला बहुत पै गया। साढ़े देखो भी जान शहीद हो गए ने, 76 इंजर्ड है गए ने। और मैं एक बार बार कह रहा हूं कि जब मई 5 और 6 नु चाइनीज ने सेम अटैक किया सी साढ़े ते, असी मई 5 दे बाद क्यों नहीं सीखे, क्यों असी अपने जवानों नु भेजता उ 15 जून की रात नु विदाउट ऑर्डर टू फायर और टेक सूटेबल मेजर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। देखो साढ़े सीओ साहब का सिर फाड़ता उन्होंने, कभी इंडियन आर्मी की हिस्ट्री च होया कि सीओ साहब ने लाठिया नाल मार के गिराता। ये पोलिटिकल ऑर्डर आए ने न्यू दिल्ली के उपर, न्यू दिल्ली तो कि तुसी कुछ नहीं करना, तुसी बिल्कुल ऐन शांत जाके गांधी जी जिस तरह जाके उते नमस्कार करके गल्लां करनी है। और चाइनीज टुक एडवांटेज बिकॉज दे ऑलरेडी टेकन एडवांटेज ऑन मे फिफ्थ इन्होंने पेंगोंग ते किस तरह कब्जा किया, सेम कुट कुट के सानू पिछे करता क्योंकि उन्होंने को डंडे सी जिते किल लाए सीगे बार्ड वायर नाल डंडे सीगे इन्हां दे कोल, इन्हां कोल पत्थर सीगे, ते पूरी तैयारी करके बैठे सी उत्थे एम्बुश करके। असीं फिर भी नहीं ओह तो सिखे आपां। मंदीप बाजवा जिहड़ी गल विक्रमजीत ने कही है कि असीं कुछ नहीं सिख्या गा, असीं तां सवाल इह कर रहे हां कि कोशिशां किन्नियां कामयाब हो रहीआं, इहदा मतलब हजे तक कोई कोशिश कामयाब नहीं। मैं अपने फल दोस्त नाल इक गल ते मुतफिक नहीं हैगा, एक गांधीवादी टैक्टिक्स नहीं है, एक मोदीवादी रणनीति है। गांधी ने कभी नहीं सी कहा कि अपना केड़ा दुश्मन जो तुहानू ते जुर्म कर रहा होवे ते तुसी उहदे मुकाबला हिंसा नाल ना करो, इत्थे ते तुहानू मार रहे ने फिर भी तुसी उहनां नू अपने फौज नू हुक्म नहीं दे रहे, उहनां नू हथियार नहीं चुकन दे रहे। तो ये गल बिल्कुल सही है कि ये जिहड़ा इहना फौज नू रोकिया गया, उन्होंने कहा कि भाई अपना हथियार चलाउण नू तां छड्डो, तुसी हथियार नाल भी नहीं लिया सकते। और मैनू नहीं समझना, मैनू नहीं लगता कि उन्होंने ये भी क्या हो गया कि भी अपने नाल कोई या दूजे ब्लंट वगैरह हथियार या कुछ इस तरह शार्प एज हथियार वगैरह भी ले जाओ ताकि अपने दिफा वास्ते। वो जो जिन्हें भी यह हुक्म दिते है उहदे कोल भी शहीदां दे जिहड़ा ना लहू उहदे हाथी है। तो ये जिहड़ा ना सानू सोचना चाहिए इस गल का। और चीनियां नू उत्थों जिहड़ा ना पूरा संकेत मिल गया कि हिंदू भारत जिहड़ा ना ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਪਾਨ ਸਾਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਰੀਆ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲੈਬਰੇਟ ਸਿਸਟਮਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਲਵਾਨ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਣਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੋਰਸ ਮਸਟ ਬੀ ਮੈਟ ਬਾਈ ਫੋਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਲਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਗਾਂ ਝੂਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਚ ਏਦਾਂ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਇਓ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਲਈ ਇਹ ਚਾਲ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਰਫੜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ,
भाईया साहब चीनी चाल तक कामयाब हो गई है। चलो ठीक 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 है, ठीक है भाईया साहब, ठीक है मैं वापस आऊँगा तुहाडे कोल, आखिरी कमेंट लाऊंगा। विक्रमजीत लास्ट कमेंट सर तुहाडे तों लैणा मैं, चाइना जिस तरीके नाल तुसीं दस रहे हो कि हुण तक टॉक्स जिहड़ियां होईयां उह चाइना दे प्रैशर हेठ सारे कुछ किया जा रहा है, मेरा सवाल है सर कुछ रिपोर्ट्स जिहड़ियां साडे कोल दसियां जा रहियां उहदे विच सानूं इह दस्सिया जा रहा है कि चाइना खुद उलझन में फस गया सब कुछ करके, तुहानूं लगता है चाइना उलझन में फसया? देखो केपी जी ये तो ओनली टाइम विल टेल के एट द स्ट्रैटेजिक लेवल ये जड़ी चाइना दी जड़ी एग्रेशन आई है वेदर इट वर्क्स आउट इन देयर फेवर और इन आर फेवर, ठीक है, बिकॉज स्ट्रैटेजिक इफेक्ट्स जड़े ने दे टेक टाइम टू इवॉल्व और वर्क आउट बिकॉज इट इज अ वेरी सीरियस यू नो जड़े टेंशन जड़ी एस्केलेट हुई ने, लेकिन एज ऑफ नाउ जड़ी टैक्टिकल सिचुएशन ऑन द ग्राउंड लग रही सानू आ रही है अगे सामने आ रही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਡਸ ਨੋਟ ਸੀਮ ਐਜ ਆਫ ਨਾਓ ਟੂ ਬੀ ਐਟ ਅ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨ ਬੀ ਅਗੇਨ ਐਸਕਲੇਟਰੀ, ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਊਗੀ ਦੂਜੇ ਫਰੰਟਸ ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਰਲੀ ਸੀ, ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਡਨ ਇਟ ਅਰਲੀਅਰ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 17 ਮਾਊਂਟਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੋ ਰੇਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਗਰ ਚਾਈਨਾ ਇਹ ਜੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਲਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਹਾਰਡ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਚਿਪ ਇਨ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਵ ਨਾਟ ਡਨ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦੀ IBG ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਬੈਟਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਬੈਟਲ ਗਰੁੱਪ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਗੋਂਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ, but again it leads to escalation dynamic. Now the question is agar tusi escalation te jana hai then you must control the second third and fourth ladder of escalation, lekin sanu 2 saal di history ki dass rahi hai, sanu eh dass rahi hai ki modi saab vich escalation pressure lain di himmat nahi hai। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਅਰਫੋਰਸ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਨੌਸ਼ੇਰਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਅਟੈਕਡ ਦੈਮ ਬੈਕ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਕੀਤੀ ਪੈਰਾ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਸਕਲੇਸ਼ਨ ਲੈਡਰ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਕੇ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਅਰ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਹੈਵ ਸੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ? ਹਾਂਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਰਤ ਲਈ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਵਰਤ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਲੀਪੌਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਦੀਪ ਬਾਜਵਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੰਗ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਹਰ ਮਹਿਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਮੰਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਡਰੈਗਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।